प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, मो प्रभु जिसु सत्य सनातन राजा मनकर राजा तेज राजन प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, तुम्हारे चरणे सेवा करिबु जे जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज्य सो, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेम रो तुम्हें दया सागर, प्रेम रो तुम्हें दया सागर, प्रभु जिस प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि कराता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हम लोग सब प्रस्तुत हैं और इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम कई बार बताया था कि परमेश्वर का वचन में शक्ति है और परमेश्वर का वचन जब बाहर जाता है और आप लोग उधर वचन के लिए अगर स्थान देता है तो वचन उधर प्रवेश करके कुछ काम करता है। बोलता है जब वचन आता है तो अंधकार दूर होता है, जगत का बाहर से दूर नहीं होता है, हमारा अंदर से दूर होता है। इसलिए वचन को ग्रहण कीजिए,
और जैसा वचन के लिए आप कान दे के सुनेंगे तो वचन प्रवेश करके अनेक जगह आपका अंदर में खोल दे सकता है। पाप का बंधन हो सकता है, बीमारियां हो सकता है, कोई भी कमजोरी हो सकता है, आज प्रभु का वचन द्वारा वो बंधन टूट सकता है। इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिए, हम लोग गए मंगलवार को 10 कमांडमेंट्स के बारे में वचन दे रहा था और 10 कमांडमेंट्स में हम लोग सिर्फ 4 को कवर किया और बाकी 6 बाकी है। और 10 कमांडमेंट्स के बारे में गया हफ्ता हम कुछ बताया था कि ये 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर खुद बात किया, जैसे एक मनुष्य दूसरा मनुष्य से बात करता है ऐसा परमेश्वर ने उनका लोगों इज़राइल से बात किया था। ये हम लोग ठीक से समझना चाहिए, ये वचन हम लोग को कैसा मिला था, ये 10 आज्ञा जो परमेश्वर का है कैसा परमेश्वर मूसा को कैसा दिया था, हम लोग इसको समझना चाहिए। वो वचन परमेश्वर सायनाई पर्वत से उधर आवाज करके बात किया, बड़ा गंभीर आवाज जोर आवाज से बात किया, लोग 30 लाख प्लस लोगों सुना और लिखा है कि वो लोग डर गया, जब परमेश्वर का आवाज सुना वो लोग डर गया, अपना मुंह पर गिर के पूरा कांपने लगा और मूसा से कहा कि परमेश्वर हम लोग से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहिए, आप ही हम लोग से बात कीजिए, परमेश्वर के पास सुन के आप वचन ला के हम लोग को सुनाओ और हम लोग मानेगा, क्योंकि अभी हम लोग जानता है परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। हालेलुया। हम आपको बताने चाहता है खाली एक ही परमेश्वर मनुष्य से बात करता है, उसका नाम होता है यीशु। वो बात करने वाला परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए हम लोग जब प्रार्थना करता है आप कभी पीछे नहीं हटना। अनेक गवाही हम आपको सुना सकते हैं कि परमेश्वर कैसा प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। लेकिन आज प्रार्थना के ऊपर में हमारा बोलना नहीं, आज प्रभु का 10 आज्ञा के बारे में बोलना है। और हम पहला से बता देते हैं और जो जो 4 हम कवर किया है हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जो पहला दूसरा हफ्ता कोई नहीं था तो अगर आप नहीं था तो आप सुन सकते हैं। पहला आज्ञा में लिखा है हम सदा परमेश्वर है, हमको छोड़ के और कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। ये परमेश्वर का बात है, मनुष्य का बात नहीं है, ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का बात है। हम सदा परमेश्वर हैं, हम छोड़ के और कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं, एक ही परमेश्वर, और वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, और उसका दूसरा नाम होता यीशु। हालेलुया। दूसरा आज्ञा में बोलता है आप कोई भी प्रकार का मूर्ति नहीं बनाना, कोई भी आकार में, किसी का आकार में आप यीशु का मूर्ति भी मत बनाइए, कोई भी आकार में कोई मूर्ति मत बनाइए। बोलता आकाश में जो जो चीज हम लोग देखते हैं वो आकार में नहीं, धरती पर जो है उसका आकार में नहीं, धरती का नीचे में जो है समुद्र के अंदर में है, मतलब परमेश्वर उसका वचन में सब चीज को कवर किए है। तो इसलिए कुछ छोड़ा नहीं कि हम बहाना कर सकते हैं कि परमेश्वर पानी का नहीं बोला तो मछली का बना देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर चीज को कवर किया है तो हमारा बहाना नहीं है, माने मूर्ति बनाना नहीं चाहिए, कोई भी आकार में किसी का भी नहीं बनाना, उसका सामने झुक के प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर छोड़ के दूसरा का सामने में हम पूजा प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये दूसरा आज्ञा है। तीसरा आज्ञा है कि आप परमेश्वर का नाम बेकार से नहीं लेना, परमेश्वर का नाम आप बेकार से नहीं लेना है। और हम कुछ कुछ वचन लिखा है जल्दी जल्दी बताता है। आप जानते हैं कि जब मूसा ये 10 आज्ञा परमेश्वर से लाने के लिए पर्वत पर गया था 40 दिन 40 रात के लिए, जब वो वापस आया तो इज़राइल संतान लोग ठहरने उनका धीरज नहीं था, ये मूसा को क्या हो गया, वो लोग सोचा मूसा पर्वत पर मर गया है और खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं पानी नहीं कुछ नहीं, ऐसा परमेश्वर का साथ वो अपना 40 दिन बिता दिया। तो आरन ने सोना उनका लेके एक बछड़ा बनाया सोना का, और इज़राइल संतान लोग उसको पूजा करना शुरू किया। आप जानते हो उसका क्या हुआ था, जब मूसा वापस आया तो मूसा गुस्सा से उनको डांटने लगा, और जब डांटने लगा आप जानता उस दिन 3,000 लोगों मर गया,
3000 लोगों इसराइल में, इसराइल का लोगों मर गया, वो बाछरा बनाया करके, वो बाछरा का पूजा करता था करके। इसलिए आज भी परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा अनेक जगह पर है, अनेक धरती पर, अनेक लोगों पर है, ये मूर्ति पूजा के लिए, ये बाछरा के लिए 3000 लोग मर गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग ये नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तीसरा वचन में बोलता है परमेश्वर का नाम बेकार से नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर उसका नाम को सम्मान देने के लिए बताता है, और उसको हल्का से लेने से परमेश्वर का गुस्सा है। हालेलुया। चौथा में लिखा है परमेश्वर का दिन को पवित्र रखना है, साबत दिन को, विश्राम दिन को आप माने पवित्र करके रखना है। अपना पेट के लिए 6 दिन, अपना शरीर के लिए 6 दिन, 1 दिन अपना आत्मा के लिए देना है, वो भी परमेश्वर के लिए। तो ये भी परमेश्वर का आज्ञा है कि उनके लिए 1 दिन अलग रखना चाहिए, उनको सम्मान देने के लिए। 5 आज्ञा में लिखा है अपना माँ बाप को सम्मान दो। हालेलुया। और ये वचन को हमको बड़ा पसंद है, माँ बाप को सम्मान दो, क्योंकि परमेश्वर को प्राय लोग का कुछ डर है, गॉड बोलने से कुछ डर होता है। माँ बाप जो सामने है उनके लिए ना डर है ना सम्मान भी है, इसलिए इतना अनाथ आश्रम खोला है। नहीं, मदर्स डे फादर्स डे में पूजा करो, प्रणाम को प्रणाम करो, पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन जब थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाता तो लेके अनाथ आश्रम में रख दो, क्योंकि माँ बाप को संभालने के लिए किसी का प्रेम नहीं रहता है। हालेलुया। आजकल बच्चों लोग का माँ बाप के लिए सम्मान और प्रेम नहीं रखा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है, 5th कमांडमेंट है। इसमें बोलता है माँ बाप को सम्मान दो, जैसा आपको आशीष मिलेगा और आपका जीवन लंबा होगा। हालेलुया। लंबा जीवन आपका होगा आप माँ बाप को सम्मान देने द्वारा। आप जानते ये धरती पर आप गॉड को देखने नहीं सकता है, लेकिन माँ बाप को देख सकता है, और माँ बाप को आप जो देख सकता है उसको अगर आप प्रेम नहीं कर सकता है, अपना भाई लोग बहन लोग को आप प्रेम नहीं कर सकता है, तो गॉड को कैसा प्रेम करता है, परमेश्वर को कैसा प्रेम कर सकता है। जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस बोलता है, लेकिन जीसस बहुत दूर में है, आप देखने नहीं सकता है। मम्मी डैडी पास में, आई लव यू मम्मी, आई लव यू डैडी, वो क्यों निकलता नहीं मुंह से। जब छोटा था मम्मी डैडी क्योंकि कुछ पाना है, जब बड़ा हो जाता है मम्मी डैडी के लिए जब करना है तो भाषा भी बदल जाता है, नहीं बोली भी बदल जाता है, लेकिन ये परमेश्वर का आदेश है, माँ बाप को सम्मान दो जैसा आपका जीवन पर आशीष होगा। हालेलुया। हम ये प्रेम को बोलते हैं 420 प्रेम, इसको 420 प्रेम। पहला योहन्ना का 4:20 में लिखा है, 1 John 4:20 में लिखा है, 4:20 में लिखा है, अगर आप अपना भाई को जिसको देख सकता है उसको अगर आप प्रेम नहीं कर सकता है, आप परमेश्वर को कैसा प्रेम कर सकता है, कैसा बोल सकता है हम परमेश्वर को प्रेम करता है, लेकिन आप उसको देखने नहीं सकता है। भाई को देख सकता है, उसको प्रेम नहीं करता है, ये कैसा प्रेम है। तो इसीलिए हम उसको लिखा है 420 प्रेम है वो। तो 420 प्रेम परमेश्वर का साथ में नहीं चलता है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग माँ बाप को सम्मान देना है। आप जानते हैं जेकब और ईसा दो भाई लोग था, अपना बाप का आशीष पाने के लिए दोनों का कैसा हुआ, माने चोरी से जेकब आया, चोरी से आके अपना बाप का आशीष के लिए, और बड़ा भाई ईसा वो शिकार करने के लिए गया और कुछ तरकारी बना के डैडी को खिला के आशीष लेगा करके ये डैडी उनको बताया था, तो उसका डैडी का बात को मान के जंगल में चले गए शिकार करने के लिए, और जो बनाया था पका के ला के जब देने का समय, तो डैडी उस टाइम में बोला था आपका छोटा भाई को दे दिया, तुम्हारा आशीष तुम्हारा छोटा भाई को दे दिया। आप जानता हमारा बाइबल में लिखा है कि ईसा इतना रोया, बाप का आशीष के लिए इतना रोया। आप लोग मम्मी डैडी का आशीष के लिए खोजता है, मांगता है मम्मी डैडी का आशीष के लिए ना, नहीं खोजता है, नहीं चाहता है मम्मी डैडी का आशीष, मम्मी डैडी का आशीष चाहता है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। छोटा टाइम में है हाँ, लेकिन जब बड़ा हो जाता है उस समय भी
मम्मी डैडी को सम्मान दो, ये परमेश्वर का आज्ञा है। छह पद में लिखा है, सिक्स कमांडमेंट में लिखा है, यू शैल नॉट मर्डर, आप मर्डर नहीं करना। हम लोग तो मर्डर नहीं करता, नहीं मर्डर नहीं करता, हम लोग बहुत अच्छा है, हम लोग विश्वासी लोग है, तो छुरी से मर्डर नहीं करता, लेकिन ये तलवार से मर्डर कर देता है। ऐसे बात करेंगे, एक जिंदा आदमी को जीने नहीं देगा ना मरने भी नहीं देगा। छुरी से मार देने से वो मर जाएगा, लेकिन इससे मारने से, अपना जवान से मारने से वो ना मरेगा ना जिएगा। तो इसीलिए मर्डर मत करो करके लिखा है। तो मर्डर हम कैसा करता है, जीप से भी मर्डर करता है। हालेलुया, एक जन को ऐसा ही हम बदनामी कर देगा, ऐसा है उनको उलट पुलट कर देगा, ऐसे भाषा में बात करता है, वो बराबर मर्डर का बराबर हो जाता है, या मर्डर से भी ज्यादा हो जाता है, मैंने जीते जीते उसको मार दिया है। तो इसीलिए हम लोग संभाल के रहना है। और इसीलिए जेम्स भी, याकूब ने एक पूरा चैप्टर ये जवान के ऊपर में लिखा है, अपना जवान को कैसा संभाल के रखना, या आप किसी को घायल कर देगा ये मुंह से। और एक लिखा है कि जब एबल को मार दिया, एबल को जब मार दिया, तो परमेश्वर अपना भाई से मांगा, केन केन तुम्हारा भाई किधर है? बोला हम भाई का रखवाला है क्या? बोला नहीं, तुम्हारा भाई का खून मिट्टी से रो रहा है हमारा पास। एबल मर गया लेकिन उसका खून नहीं मरा है, उसका खून में जान था और वो खून रो रहा है। आप मर्डर करके खसकने नहीं सकता है, उसका खून जिसका आप मर्डर किया उसका खून रोता है परमेश्वर के पास बदला के लिए। और इसीलिए आपका जीवन में कभी भी आशीष नहीं हो सकता है, कभी आशीष नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर खून का हिसाब मांगता है। बोला मनुष्य का खून से एक माने मनुष्य खून देना पड़ेगा, आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, हाथ के लिए हाथ, जो पुराना नियम में लिखा है। लेकिन अभी भी वो नियम नहीं है कि हम लोग का हाथ काट देता है, लेकिन खून हमारा जरूर परमेश्वर के पास रोता है। और लिखा है कि एबल का खून मिट्टी से रो रहा है परमेश्वर के पास, क्या बोल रहा था पता नहीं। आज विश्वासी लोग का आंसू रो रहे हैं आपके लिए, आंसू रो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग संभाल के रहना, हम लोग क्या बोलता है क्या करता है। मर्डर मत करो करके बोलता है बाइबल में, इसलिए मर्डर नहीं करना। साथ में लिखा है, सेवन कमांडमेंट लिखा है, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, व्यभिचारी नहीं करना। हालेलुया, हम बताया था वचन, हम बाद में लिख देगा वीडियो में, आप देख सकता है। तो इधर लिखा है व्यभिचारी नहीं करना, और एक जगह में लिखा है फ्ली फॉर्निकेशन, व्यभिचारी से भाग जाना। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि जोसेफ पोटीपार का घर में, वो इजिप्ट देश का जो पोटीपार जो कमांडर था, उनका घर में जब दास होके था, तो लिखा है उनका वाइफ ने, उनका स्त्री ने जब उनको व्यभिचारी में गिराने के लिए उनको कोशिश करता था, तो लिखा है जोसेफ भाग गया। ये एक ही जगह है, ये एक ही जगह में लिखा है जो पाप से आप भागना चाहिए। रुपया से भाग जाओ, धन से भाग जाओ, इससे भाग जाओ, नहीं लिखा है व्यभिचारी से भाग जाओ। ऐसा क्यों लिखा है? रुपया से भाग जाओ करके नहीं लिखा है, क्योंकि रुपया आपका पीछे दौड़ने नहीं सकता है। लेकिन अगर आप कोई लड़की से भाग जा रहा हो, लड़की आपका पीछे दौड़ सकता है। अगर आप कोई लड़का से भाग रहा है, तो लड़का आपका पीछे दौड़ सकता है। इसलिए बोलता है फ्ली फॉर्निकेशन, भागो उधर से। और जोसेफ वही काम किया था, जब व्यभिचारी के लिए एक जन प्रस्तुत हुआ उनके सामने में, तो लिखा है जोसेफ भागा। ये एक ही जगह है जिधर मनुष्य लेडी से भागना चाहिए, यहां अपना जीवन नाश हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि लिखा है दाऊद का क्या हुआ था, दाऊद का क्या हुआ था, दाऊद व्यभिचारी के लिए उसको मर्डर भी करना पड़ा, और इसलिए परमेश्वर उनका घर में भी मर्डर होने के लिए दिया, व्यभिचारी के लिए हुआ था, व्यभिचारी के लिए हुआ था। तो इसलिए हमको सावधान रहना है। आप जानते हैं सैमसन का क्या हुआ था,
सैमसन का क्या हो, सैमसन दिलायला से भागना चाहिए लेकिन उसका गोद में सर रख दिया और उसका बाल काटने के लिए दे दिया। ये होता है हमारा काम जब हम परमेश्वर का आज्ञा का विरोध करता है, हम इसीलिए खतरा में गिरता है। परमेश्वर जो बोला था वो बहुत ज्ञानी परमेश्वर है और जब हमको कुछ आदेश दिए है उसको हम मानना चाहिए क्योंकि वो हमारा अच्छा के लिए है। परमेश्वर हमसे कुछ रखने के लिए या हमारे जीवन में कुछ कमी करने के लिए नहीं बोला है, ये हमारा अच्छा के लिए जैसा वो हम पर आशीष रख सकता है। दाऊद का जीवन में इतना नुकसान हुआ और देखता है कि सैमसन का जीवन में इतना नुकसान हो, इतना जवानी में वो अपना आंख खो गया और अपना मिनिस्ट्री भी खो गया, वो लास्ट में मर गया, अपना जान देना पड़ा बेवचारी के लिए। इसीलिए हम लोग सावधान रहना और इस चीज से हम लोग को दूर रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का बल आप पर रहेगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा ये जो कमांडमेंट है इसको पूरा रखने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। 8 में देखता है, 8 कमांडमेंट में लिखा है, दाउ शैल नॉट स्टील, चोरी नहीं करना। हालेलुया। चोरी नहीं करना, डायरेक्टली मत करो, इनडायरेक्टली भी मत करो। डायरेक्टली चोरी मत करो, इनडायरेक्टली भी चोरी मत करो क्योंकि परमेश्वर ने चोर को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। वो चोर को पसंद नहीं करता, चोरी को वो पसंद नहीं करता। जो परमेश्वर हमको देता है वो हमको दे सकता है और भी दे सकता है। आप जानता है जब दाऊद ने व्यभिचारी किया, दूसरा का स्त्री को ले लिया, परमेश्वर से क्या पूछा था, बोला जब तुम, मैं चरवाता था, शेपर्ड था, उस टाइम हम आपको लेके राजा बनाया और आपको हम क्या नहीं दिया, आप जो कुछ मांगा हम दिया और अगर आप और भी मांगता हम देता था, इस तरह करना का दरकार क्या था। हमारा अगर कुछ कमी है हम परमेश्वर के पास अपना हाथ बढ़ा सकता है, वो हमको दे सकता है। वो सारा सृष्टि की मालिक है, सब सोना चांदी उन्हीं का है, उनका सब कुछ है। तो इसीलिए जब हम मांगता है, हमारा दरकार है, परमेश्वर हमारा पूरा कर सकता है, हमारा जो भी कमी है वो पूरा कर सकता है। हम परमेश्वर के पास नहीं जाके हम उल्टा काम जब करता है, वो चोरी हो जाता है तो परमेश्वर हमसे नाराज होता है, बोला हम क्या आपको नहीं दे सकता है। हम लोग उनका संतान है करके हम लोग चोरी से दूर रहना है, हम लोग परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। और जब हमारा पिता ने, राजाओं का राजा है, तो उनका बच्चे लोग भिखारी नहीं होता है और दूसरा का लेना का दरकार नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, वो बोलता चोरी नहीं करना। आप जानते हैं एक व्यक्ति ने चोरी किया था बाइबल में, उसके बारे में लिखा है, हम एक एक घटना निकाला है प्लस उसका वर्स भी देगा साइड में बाद में। तो लिखा है रेचल ने, रेचल जेकब का स्त्री, वो अपना बाप का मूर्ति को चोरी करके लेके आया और कुछ मिला नहीं, सही तो मूर्ति कुछ कीमती मूर्ति रहेगा, वो अपना बैग में डाल के चोरी करके आ गया। आप जानता क्या हुआ, रेचल अपना जीवन पूरा नहीं जी सका। बेंजामिन का जन्म का समय में रेचल ने मर गया, रेचल डाइड बिफोर हर टाइम, चोरी के लिए, प्रभु का बात को माना नहीं, परमेश्वर का और कुछ नहीं मिला चोरी करने के लिए, मूर्ति चोरी कर दिया, माने मूर्ति भी है और चोरी भी है, ये डबल हो गया है। तो परमेश्वर उसको लंबा जीवन नहीं दे सका उसका चोरी के लिए और इसीलिए वो जल्दी मर गया। बेंजामिन जन्म होने का टाइम में रेचल अपना जीवन को खो दिया, वो मर गया। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को सावधान रहना है, हम जल्दी से दौड़ता है, आज टाइम मेकअप हो रहा है, ट्रेन आज राइट टाइम रखता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग 9 अध्याय में जाएंगे, आज ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी ठीक चलता है। 9 अध्याय में लिखा है, यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर, अपना पड़ोसी का विरोध में झूठा इल्जाम नहीं लगाना, झूठा गवाही नहीं देना अपना पड़ोसी का बारे विरोध में। पड़ोसी मतलब कोई भी हो सकता है, खाली आपका घर का साइड में रहता, ऐसा नहीं है।
कोई भी हो सकते, कोई निर्दोष व्यक्ति का विरोध में आप झूठा गवाही नहीं देना चाहिए। हम लोग का हाँ हाँ बोलना, हम लोग का ना ना होना, ये झूठा गवाही देने द्वारा हम लोग बड़ा गलती करता है। परमेश्वर का क्रोध हम लोग के ऊपर में रहता है, परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है, बेचार वही करता है, परमेश्वर बेचार करता, मनुष्य बेचार नहीं करता है। और जब हम झूठा गवाही देता है, झूठा लोग का साथ में हम खड़ा हो जाता है, उनका साथ एक हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हमारा मुंह से जो सच्चाई बोलना चाहिए, परमेश्वर का वचन जब बोलता है वो सच्चाई है, हम लोग सच्चाई बोलता है, तो सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठा गवाही नहीं देना चाहिए। कितना निर्दोष व्यक्ति लोग आज जेल में पड़ा है, फांसी दंड मिला, क्या क्या उनका हुआ, उनका कितना लॉस हुआ, क्योंकि कोई व्यक्ति आपका और हमारा जैसा एक झूठा गवाही दे दिया, और झूठा गवाही के लिए उनका कितना नुकसान हुआ। हालेलुया। इसीलिए हम लोग सावधान रहना, हमारा बात किस तरह बोलता है, हमारा दोस्त है करके उसके लिए उसका तरफ में हम झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमारा मुंह को बंद करके रखना, क्योंकि हम प्रभु का संतान है और प्रभु का आज्ञा हम पालन करना चाहिए, इसीलिए हम झूठा गवाही देना नहीं चाहिए। हालेलुया। जब हम सुसमाचार प्रचार करता है, हम बाहर जाके दूसरा लोग को बोलते हैं प्रभु यीशु के बारे में, हम असल में सच्चाई बोल रहे हैं, यीशु के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का एक किताब लिख रहा है हम लोग का मंडली के बारे में, और एक बेटी ने आके हमारे लिए टाइपिंग करती है, और वो टाइपिंग करने के समय में वो आश्चर्य हो जाए क्या क्या घटना हुआ मंडली में, हम लोग का मंडली बैतल चापुल में बहुत कुछ आश्चर्य काम हुआ, और वो सब आश्चर्य काम के बारे में जब टाइपिंग करती है, वो देखता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम बोला हाँ ये सच्चाई गवाही है, हमारा आंखों से हम देखा, और हम वो व्यक्ति वो था जो उधर था जब ये सब हुआ है, और इसलिए आप ये गवाही दूसरे को बोल सकते हैं, हमारा चर्च में ऐसा हुआ क्योंकि हम उधर था, हम आई विटनेस है और हम देखा है। और जो जो सुन रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, हम लोग एक किताब लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, हम लोग का बैतल चैपल के बारे में एक बुक लिख रहा है, उसको रेडी कर रहे हैं, और जब वो रेडी है हम आप लोग को एक एक कॉपी देंगे जरूर। ओके, आप लोग पढ़ सकते हैं कि जब तक हमारा याद है, 40 साल से ज्यादा हो गया है, जब तक हमारा याद है अनेक घटना हुआ ये मंडली में, अनेक डीमन कास्टिंग हुआ, अनेक बीमारी लोग चंगा ही पाया है, अनेक जन प्रभु के पास आया है, अनेक काम हुआ है, तो वो सब हम लोग एक किताब में लिख दिया है और उसको बना रहे हैं। उसके लिए प्रार्थना कीजिए जैसा ठीक से हो सकता है। तो हम बोलने का मतलब है ये गवाही जो किताब में लिखा है आप उसको बोल सकता दूसरा को, क्योंकि वो सच है, वो झूठा गवाही नहीं है, वो सच्चाई गवाही है, उसको कमा के बोला बढ़ा के नहीं बोला। हालेलुया। तो इसीलिए नौ अध्याय में लिखा है Thou shall not bear false witness against your neighbor, अपना पड़ोसी के विरोध में आप झूठा गवाही नहीं देना है। दस में लिखा है You shall not covet your neighbor's wife and goods, अपना पड़ोसी का स्त्री या उनका सामान को आप लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, उनको चोरी नहीं करना, उसको ठका के लेना नहीं। हालेलुया। हम बोलते हैं जब इधर स्त्री लिखा है, उनका वाइफ लिखा है, उसका मतलब हस्बैंड को लेना करके नहीं है, ना स्त्री को ले सकता ना हस्बैंड को भी ले सकता है, इसीलिए दोनों पार्टी के लिए, लेडीज लोग दूसरा का हस्बैंड नहीं लेना और हस्बैंड लोग दूसरा का स्त्री नहीं लेना है, ये परमेश्वर का आज्ञा है, उनको नहीं लेना या उनका कोई भी सामान भी नहीं लेना, उनका कोई भी चीज लोभ से लेना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है हम उनको सम्मान देना, और इधर प्रभु यीशु ने बताया है आपका पड़ोसी आपका पास सुरक्षा के लिए रहता है, फॉर सेफ्टी, आपका पड़ोसी आप उनका सेफ्टी के लिए, आपका सेफ्टी के लिए आपका पास रहता है, और इसलिए हम लोग का एक दूसरा पर भरोसा होना चाहिए। और सोलोमन राजा बोला है एक भाई जो बहुत दूर में रहता है उससे अच्छा एक पड़ोसी जो पास में है। जब हमारा रात को 2 बजे तकलीफ होता है,
भाई को आने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत दूर में है, लेकिन एक पड़ोसी पास में है, 2 बजे रात को भी वो उठ के हमको मदद कर सकता है, और उनका कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ हम भी उनको मदद कर सकता है। इसीलिए पड़ोसी है, एक दूसरा को मदद करने के लिए, एक दूसरा का साथ में खड़ा होने के लिए। उनका ना सामान ना उनका कोई व्यक्ति को हम लोग लोभ लालच करके नहीं लेना चाहिए। ये प्रभु का आज्ञा है, उसका आदेश है कि इस तरह हमको रहना चाहिए। हर चीज में प्रभु चाहता है हम लोग साफ रहना, हर चीज में। हालेलुया, हम हर चीज में। और इसीलिए प्रभु का जो 10 कमांडमेंट्स है वो सब चीज को कवर कर दिया है, हर चीज को कवर कर सकते हैं। और इसीलिए आप नहीं बोल सकते प्रभु ये नहीं बताया हम ले सकते हैं, प्रभु वो बात नहीं बोला हम कर सकते, ऐसा नहीं है। प्रभु इसके अंदर में सब कुछ को ढाक दिया, और उसको सबको ये 10 आज्ञा को टोपी लगाने के लिए यीशु एक अच्छा वचन बोला है, मैथ्यू का 22 में 36 से 40 तक में लिखा है। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। इधर लिखा है, कोई व्यक्ति ने, एक गवे, एक वकील ने आके यीशु से पूछा, गुरु कौन सब आज्ञा में, कानून में कौन सबसे महान है, सबसे बड़ा क्या है? और यीशु ने जवाब दिया, आप अपना परमेश्वर को पूरा हृदय से, पूरा आत्मा से और पूरा मन से प्रेम करना है, और अपना पड़ोसी को अपना बराबर उनको प्रेम करना, ये सबसे बड़ा आज्ञा ये है। अपना परमेश्वर को पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शरीर से उनको प्रेम करना है, ये बड़ा बड़ा आज्ञा है। और दूसरा होता है, अपना पड़ोसी को अपना बराबर प्रेम करो, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। हालेलुया, इस बोलता है ये 2 आज्ञा में ये पूरा 10 आज्ञा आ जाता है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर, कितना ज्ञानी बात प्रभु ने करता है। बोले ये 2 आज्ञा के अंदर में ये 10 आज्ञा आ गया। अगर हम परमेश्वर को पूरा दिल से प्रेम करता है, उनका बात को मानता है, तो हमारा कोई दूसरा परमेश्वर होगा नहीं, उसका नाम कोई झूठा नहीं लेगा, हम मूर्ति नहीं बनाएगा, हम उसके लिए एक दिन जाएगा, वो सब आ जाएगा, वो चारों आज्ञा उसी के अंदर में आ जाएगा। और 6 में लिखा है, अपना पड़ोसी को अपना बराबर प्रेम करना। हालेलुया, अपना पड़ोसी को अपना आप बराबर जब प्रेम करता है, मतलब है हम ये सब नहीं करेगा, ये सब आज्ञा हम जो ये सब भूल नहीं करेगा, उसको आधार दे, उसको मर्डर नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, उनका स्त्री को नहीं लेगा, उनका सामान को नहीं लेगा, ये सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा वो है कि हम उनको सम्मान देना और उनको प्रेम करना जिस तरह हम अपना आप को प्रेम करता है। क्योंकि साधु पॉल बोलता है, कोई अपना आप को कभी कम प्रेम नहीं किया है। सबसे सुंदर चेहरा ये पृथ्वी में हमारे लिए है, हमारा चेहरा, और आपका आपका है, इसलिए बार बार हम लोग दर्पण में देखता रहता है अपना चेहरा को, नहीं चेहरा को देख के हम लोग सजाता रहता है, क्या क्या करता रहता है सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि सबसे सुंदर व्यक्ति हम ही है। हालेलुया, तो हमारा जैसा अगर हम दूसरा को प्रेम कर सकता है तो हम उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। उसी में माँ बाप का आधार भी आ जाएगा, उसी में चोरी आ जाता है, उसी में मर्डर आ जाता है, वो सब आ जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु कितना सुंदर से सब 10 आज्ञा को पूरा लपट के एक पार्सल बना के हम लोग को दे दिया, नया नियम का विश्वासी लोग के लिए कितना सुंदर से प्रभु एक गठरी बना के दे दिया हमको। हालेलुया, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का वचन को हम लोग ध्यान करके जब सुनता है, प्रभु हमारे लिए आशीष रखा है। हालेलुया, आप आशीष पाने चाहता है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करो, पालन करो। जब उनका बात को लेके हम लोग चलता है,
और ये सब बात हम लोग जब याद करते हैं तो हमारा जीवन में आशीष होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया माँ बाप को सम्मान दो, सम्मान देना चाहिए।